मैं माँ हूं, धरती माँ। परिस्थितियां बदल सकती हैं, प्रवृत्ति का बदलना बहुत कठिन होता है। अहंकार के मारे हुए लोग शांति प्रेमियों को कायर और दुर्बल समझ बैठते हैं। श्री राम की शांति प्रियता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि उन्होंने रावण को भी युद्ध की राह छोड़कर शांति का मार्ग अपनाने की सलाह देने का निर्णय किया। उनके मित्र और सलाहकार उनके इस निर्णय से सहमत नहीं थे, परंतु श्री राम ने अपनी न्याय प्रियता नहीं छोड़ी। शत्रु को भी एक अवसर देना चाहिए। अंगद श्री राम की ओर से शांति का संदेश लेकर रावण के पास जा रहा है, परंतु मुझे विश्वास नहीं कि रावण शांति के महत्व और युद्ध के विनाश के परिणाम को समझ सकेगा। लंकेश की जय हो। राम का एक दूत आया है, वो लंकेश से भेंट करना चाहता है। देखा पुत्र मेघनाथ, कि राम मुझसे इतना भयभीत है कि वो स्वयं नहीं आया और ना ही उसने आक्रमण किया, उसने अपना दूत भेज दिया। जाओ भीतर ले आओ उसे। जो आ गया महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रावण के समक्ष उस तुच्छ मानव राम की जय जयकार कर रहा है तू? कौन है रे तू? मैं बाली पुत्र युवराज अंगद हूँ। प्रभु श्री राम ने मुझे अपना दूत बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। तू बाली का पुत्र है? हाँ लंकेश, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा मेरे पिता से अच्छा परिचय रहा है। बाली मेरा मित्र अवश्य था, परंतु धिक्कार है तुझ पर अंगद कि जिसने तेरे पिता की हत्या की तू उसी का दूत बनकर आया है, वो भी मेरे सामने, लंकेश के सामने। जिसने मेरे पिता का वध किया उसने ये निर्णय न्याय, आदर्श, मानवता और संबंधों की परिभाषा पाप पुण्य का विचार करके ही किया था। अच्छा, परंतु जिसका वध हुआ था अंगद, वो तो तुम्हारा पिता था ना? किसी का पिता यदि अधर्म के मार्ग पर चलने लगे तो पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि उनका विरोध करे, किंतु पिता तब भी न माने तो पुत्र का यह धर्म हो जाता है कि उनका त्याग कर दे। मुझे तो इस बात का दुख और आश्चर्य है कि तुम्हारे पुत्र मेघनाद ने तुम्हारा अभी तक त्याग कैसे नहीं किया। अपने दूत होने की सीमा पार मत कर युवराज अंगद। मुझे मेरी सीमा ज्ञात है मेघनाद, किंतु तुम अपनी सीमा भूल चुके हो। तुम शिष्टाचार की सीमा पार कर चुके हो। मैं दूत हूं और इस सभा में मैं तुम्हारे पिता श्री लंकेश से बात कर रहा हूं, फिर भी तुम बीच में आ गए। घोर आश्चर्य। हां तो लंकेश, मैं तुम्हारे लिए प्रभु श्री राम का एक संदेश लाया हूं। माता सीता को आदर और सम्मान पूर्वक वापस लौटा दो। इसी में तुम्हारा, तुम्हारी प्रजा का, तुम्हारे वंश और सारी लंका का हित है, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो वो कितना भयानक होगा ये तुम नहीं सोच सकते और नहीं मैं बखान कर सकता हूं। राम राम एक साधारण मानव है अंगद, अति साधारण। ना तो उसमें साहस है
ना ही शक्ति और ना ही बल, कुछ नहीं है उसमें। लंकेश, तुम प्रभु श्री राम की शक्ति की बात छोड़ो, उनके समक्ष तो मैं मात्र दिनके के समान हूं। तुम मेरी शक्ति परीक्षा ले लो, तुम्हें अनुमान हो जाएगा। लो, मैं अपना एक पैर धरती पर रखता हूं, तुम यहां अपनी सभा में उपस्थित सभी सभाजनों को आदेश दो कि वे एक साथ मिलकर मेरे इस पैर को हिला मात्र दें। प्रभु श्री राम की सौगंध, वे सीता माता का हार जाएंगे और लंका से बिना युद्ध किए ही लौट जाएंगे। जाओ और इस बानर का पैर जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। जाओ। पैर जड़ से उखाड़ कर फेंक दो पुत्र। जाओ। Ha 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 ha
मेरे चरण छूने से क्या होगा रावण? चरण छूने हैं तो प्रभु श्री राम के छुओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अंगद, अभी तो तुमने मेरे एक पैर का चमत्कार देखा है रावण। कहीं यदि मैंने अपना हाथ हिला दिया तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा प्राप्त नहीं है, इसलिए अब मैं चलता हूं। तुमसे अब रणभूमि में ही भेंट होगी। रघुकुल शिरोमणि श्री प्रभु रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। युद्ध, युद्ध की तैयारियां की जाए, युद्ध किया जाए। जय लंकेश। आक्रमण! आक्रमण! जय श्री जानता हूं कि तू राम का अनुज लक्ष्मण है, परंतु तेरा काल तुझे रावण पुत्र मेघनाथ के समक्ष ले आया है। मैंने तो अपने बाणों पर रावण का नाम लिखा था, परंतु यदि यही बाण तेरे भाग्य में लिखे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? Thank you.
ब्राह्मणे नमः। लक्ष्मण! 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 अनुज, अनुज, लक्ष्मण, अनुज, अनुज, लक्ष्मण, अनुज, 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 मैं अयोध्या को माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा? अनुज, तुम्हारे साथ ही वनवास निकला था, तुम्हारे बगैर अयोध्या कैसे लौट जाऊंगा? अनुज, जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु तुम जैसा सहोदर भाई नहीं मिल सकता। अनुज, प्रभु एक उपाय है लक्ष्मण के प्राण बचाने का। बताइए जामवन जी, यदि वो उपाय मेरे अपने प्राण देना है तो अपने अनुज के लिए वो भी करने को मैं तैयार हूं। आपके अनुज लक्ष्मण का उपचार केवल रावण के वैद्यराज सुषेण ही कर सकते हैं। बस अब आप चिंतित मत होइए प्रभु, मैं अभी जाकर वैद्यराज सुषेण को उनके घर समेत उठाकर लाता हूं। जय श्री राम। धन्य है आप दोनों जो युद्ध से लौट आए। लौट कर ही नहीं आए महारानी, शत्रु को ऐसा आघात पहुंचाकर आए हैं कि वो अभी तक रो रहा होगा। अपने पुत्र मेघनाथ की आरती उतारी है, इसने राम के भाई लक्ष्मण को ऐसा आघात पहुंचाया है, यदि उसकी औषधि ना मिली तो सूर्योदय तक वो मर जाएगा। किंतु इससे तो राम का क्रोध और बढ़ गया होगा। राम का क्रोध? किसे चिंता है राम के क्रोध, किसे चिंता है? सूर्योदय तक उसका भाई मर जाएगा और सूर्यास्त तक मैं राम को मार दूंगा, क्योंकि मैं रावण हूं। और कितनी दूर है हनुमान? बस कुछ ही क्षणों में वैद्य जी हम प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंच जाएंगे। आइए वैद्य जी, आइए। प्रभु वैद्यराज, आपको
यहां इस समय इस प्रकार कष्ट देने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। वैद्यराज, एक वैद्य किसी जाति, धर्म, समाज, समुदाय या देश का नहीं होता, वो तो केवल विश्व कल्याण के लिए होता है। इसलिए मेरे अनुज को शत्रु न मानकर केवल एक रोगी समझकर इसका उपचार कीजिए वैद्यराज। मैं आपसे विनती करता हूं। तो शक्ति की मार लगी है, इसका केवल एक ही उपचार है। यदि कोई गंधमादन पर्वत जाकर संजीवनी लेकर सूर्योदय से पहले लौट आए तो इनके प्राण बच जाएंगे। पवनसुत, ये कार्य तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। प्रभु, आप चिंता मुक्त हो जाएं। आपका ये सेवक सूर्योदय से पहले ही संजीवनी लेकर ही लौटेगा। जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रणाम ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता, मेरी सहायता कीजिए। मुझे मेरे स्वामी ने संजीवनी की खोज में भेजा है, परंतु मैं ना उसे पहचानता हूँ और ना ही ये जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेगी। संजीवनी मैं भली भांति जानता हूँ, वो कैसी होती है, कहाँ मिलती है। मैं तुम्हें वहाँ स्वयं ले चलता हूँ। तो फिर विलम्ब न कीजिए, बैठ जाइए मेरे कंधे पर। अवश्य, किंतु मुझे लग रहा है कि तुम प्यासे हो। आपने ठीक पहचाना, तो लो इस जल को पीकर अपनी प्यास बुझा लो। धन्यवाद। क्षमा करना, रावण ने मुझे तुम्हारी राह रोकने के लिए भेजा था। छल और कपट करने वालों को क्षमा नहीं किया जाता। हाँ। जय श्री राम। मिल गया, परंतु इसमें संजीवनी कौन सी है? वैद्यराज ने कहा था कि संजीवनी चमक रही होगी,
परंतु यहां तो पूरा पर्वत चमक रहा है। अब क्या करूं? संजीवनी कैसे ढूंढूं? कौन सा वृक्ष उखाड़ के ले जाऊं? हाँ, पूरा पर्वत ही ले जाता हूं। वैद्यराज स्वयं संजीवनी ढूंढ लेंगे। नींद ले रहा था मैं। मेरे आदेश पर तुम्हें जगाया गया है कुंभकर्ण। प्रातःश्री, प्रणाम प्रातःश्री। मुझे जगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कुंभकर्ण, मैं युद्ध करने जा रहा हूं। ये कौन सी नई बात है? आप तो हमेशा किसी ना किसी से युद्ध करते रहते हैं और मेरी सेवा के बिना ही युद्ध जीत भी लेते हैं। परंतु इस युद्ध में मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है कुंभकर्ण, क्योंकि मुझ पर, मेरी लंका पर एक तुच्छ मानव राम ने आक्रमण कर दिया है। राम ने? पर सारा संसार तो कहता है कि वो अत्यंत शांति प्रिय है। मैं उसकी पत्नी जनक नंदिनी सीता को अपहृत कर लाया हूं और वो मुझसे उसे छीन लेना चाहता है। तो लौटा दीजिए उसको, उसकी पत्नी। युद्ध तो अपने आप टल जाएगा और फिर मैं चैन की नींद सो सकूंगा। कुंभकर्ण, कायरता की बातें मत करो। मैं यहां तुमसे युद्ध के लिए सहायता मांगने आया हूं और तुम मुझे शांति का पाठ पढ़ा रहे हो। बोलो, तुम इस युद्ध में मेरी सहायता करोगे या नहीं करोगे? बोलो। मैं तो आपका अनुज हूं। आपका कहा मैं कैसे टाल सकता हूं? मैं अभी युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करता हूं। हाँ,
राम। हे सूर्यदेव, आप हमारे वंश के आदि पुरुष हैं। आज आपके कुल की एक संतान पर कठिन समय आन पड़ा है सूर्यदेव। आज आप थोड़ा विलंब से उदित हो सूर्यदेव, कि मेरे अनुज के प्राण बच जाएं। अपने कुल के एक पुत्र को बचा लीजिए सूर्यदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे संजीवनी की पहचान नहीं वैद्यराज, इसीलिए समस्त पर्वत उठा लाया। मुझे तो केवल कुछ पत्तियों की आवश्यकता है। बाहर पूरा वृक्ष है, जितनी पत्तियां चाहिए स्वयं चुन लीजिए। ये रहा। अनुज, 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 हाँ, अनुज, अनुज, राधा श्री, जय श्री राम, 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 राधा श्री, लक्ष्मण, राधा श्री। वैद्यराज, आगमन। ओए!
मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। अपनी वर्षों की निद्रा त्याग कर अपने अनुज रावण की रक्षा करने आए हो कुंभकर्ण? हाँ हाँ, युद्ध की अग्नि में थोड़ा रक्त और डालने आया हूँ। तुम असुर रक्तपात के अतिरिक्त और कुछ सोच भी तो नहीं सकते? यदि तुमसे कहा जाए कि तुम मर्यादा छोड़ दो, क्या तुम छोड़ दोगे? राम अपने प्राण छोड़ सकता है कुंभकर्ण, किंतु मर्यादा नहीं। तो ठीक है, तुम अपनी मर्यादा का पालन करो, हम असुरों को अपनी मर्यादा का पालन करने दो। अंतर केवल इतना है कुंभकर्ण कि तुम असुरों की मर्यादा है हिंसा, विनाश, मृत्यु का तांडव। इस समय तो तुम सिर्फ अपनी मृत्यु की रक्षा करो राम। लंका में मेरे कुछ मित्रों ने मुझे एक सूचना दी है और मैं समझता हूं कि यह सूचना हम सबके लिए चिंताजनक है। लंकेश विभीषण, युद्ध भूमि चिंता और आश्चर्य की जननी होती है। आपके पास जो भी सूचना है हमें त्वरित बताइए। रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ निकुमला मंदिर में तपस्या करने गया है। वो कहीं भी तप करने चला जाए, मेरे हाथों अपने प्राण नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। किंतु यदि उसने अपनी तपस्या की अवधि पूरी कर ली तो उसे कोई नहीं मार सकेगा, वो अमर हो जाएगा। तो आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए लंकेश विभीषण? प्रभु, उसकी तपस्या पूरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी स्थिति कष्टदायक हो जाएगी। उसे किसी भी स्थिति में तपस्या की अवधि पूरी करने से पहले निकुमला मंदिर से बाहर निकालना होगा। ऐसे संकट को निपटने और निपटाने के लिए ही तो प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान का जन्म हुआ है। मैं वचन देता हूं कि मेघनाथ को मंदिर से बाहर निकाल कर ही आऊंगा। जय श्री राम। मेघनाद का चल रहा तप इतना विकराल,
मार न पाएगा उसे कभी जगत में काल। सफल न हो जाए कहीं रखिए इसका ध्यान, अनुष्ठान पूरा न हो सुनो वीर हनुमान, सुनो वीर हनुमान। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण।